हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ हाई आई टी थिंकिंग। आज हम ये जीओसी के पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन के साथ साथ हम आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे, ट्रिक भी सिखाएंगे और क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है एग्जाम में, ताकि आप सेकंड में आंसर फाइंड आउट कर सको, ये भी आपको पता चलेगा। ओवरऑल आपको इन क्वेश्चन के थ्रू ना जीओसी का पूरा रिविजन हो जाएगा और नई चीजें भी आप सीखोगे इन क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। तो सारे एडवांस आई एडवांस और जेई मेंस के पीवाईक्यू हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन था, इसमें पूछा था कि आपको एसडी का ऑर्डर बताना था पहले क्वेश्चन में, ठीक है। ये आपको चार ऑप्शन, चार कंपाउंड गिवन थे, ए बी सी डी। तो एसडी का ऑर्डर आपको फाइंड आउट करना था। तो एसडी का ऑर्डर निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो अब मैं बताता हूँ। एसडी का ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हो, कंजुगेट क्या बनाते हो, कंजुगेट बेसिक बेस बनाते हो। कैसे कंजुगेट बेस बनता है, आप क्या करते हो, कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं, फिर क्वेश्चन तो हम दो सेकंड में बताएंगे आपको कैसे निकालना है। देखिए आपके पास कोई एसिड है, मान लीजिए एच, तो आपको कभी इसकी एसिडिटी बताना जिसका आप कंजुगेट बेस बनाओगे, माइनस एच प्लस बाहर निकालोगे तो हमारा कंजुगेट बेस क्या बन गया, ये बन गया। तो ये कंजुगेट बेस हमारा क्या होता है, एक कार्बन आयन है, दिख रहा है, कंजुगेट बेस एक कार्बन आयन है। तो ये कार्बन आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा हमारा, उतना ही ज़्यादा ये एसिडिक होगा। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, ठीक है, कार्बन आयन की। तो ओवरऑल आप कंक्लूजन ये निकला कि हमारा कंजुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, कंजुगेट बेस का दूसरा नाम कार्बन आयन है, क्योंकि देखिए अनायन आ रहा है, वो उतना ज़्यादा एसिडिक होता है। मेन कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। अब देखो, अब कार्बन आयन को स्टेबलाइज कौन करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा आइडिया। जैसे कार्बन आयन स्टेबलाइज किसके द्वारा होता है, माइनस आई, माइनस एम, ठीक है, माइनस एच ना, और माइनस आर। वैसे एम और आर एक ही होता है, तो ये डिफरेंस मेसोमेरिक रेजोनेंस में थोड़ा सा होता है। रेजोनेंस बाई डायरेक्शनल होता है, मेसोमेरिक यूनि डायरेक्शनल होता है, जीओसी में हमने पढ़ा है। तो आइए स्टार्ट, देखो यहाँ पे आप इसको कैसे अप्रोच करना है। तो आप क्या करो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये, यहाँ पे क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ भी कार्बोनिल, सभी में कार्बोनिल है। आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखो मोस्ट एसडी हाइड्रोजन कहाँ पे है। तो अब मोस्ट एसडी हाइड्रोजन क्या होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स अटैच्ड हो, ठीक है, वो मोस्ट एसडी होता है। तो जैसे आप कंजुगेट बेस बनाओगे इन सब में ना, कौन सा हाइड्रोजन निकालोगे, ढेर सारे हाइड्रोजन है, तो आप कंजुगेट बेस किसका बनाओगे भाई, कौन सा हाइड्रोजन, तो जो मोस्ट एसडी होता है। मोस्ट एसडी कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले ग्रुप के बगल में लगे होते हैं। तो देखो अब सीधे सीधे इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस एम लग रहा है। अगर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और उस जस्ट बगल में एटम है, लोन पेयर है, तो वो प्लस एम लगाता है। इसके ऊपर भी सेम कहानी है, तो ये भी प्लस एम लगाएगा। लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर कम देना चाहेगा कंपेयर टू नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये लोन पेयर थोड़ा ज़्यादा देना चाहेगा ऑक्सीजन के कंपेरिजन में। अब देखो यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे आप ये एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है, मतलब अगर CH2 यहाँ बीच में आता है ना, यहाँ पे ऐसे दो कार्बोनिल ग्रुप के बीच में, तो ये सबसे ज्यादा एसडी कहलाता है। अब कहोगे सर आप तो कॉन्सेप्ट से ही भटक गए, आप कभी कंजुगेट बेस बना रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ से CH3 है, वैसे समझो तो एक एच निकालोगे, चाहे इधर से चाहे इधर से, यहाँ निगेटिव आएगा, यहाँ से एच निकालोगे इधर निगेटिव आएगा। कहोगे सर इधर भी तो एच था फिनाइल के पास, आप इधर से क्यों नहीं निकाले, क्योंकि यहाँ पे निकालोगे निगेटिव, तो ये इसके द्वारा रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, इधर भी रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, तो इसलिए हमने बोला था ना मोस्ट एसडी वाला निकालना है, ये मोस्ट एसडी होगा, ठीक है ना। ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, देखो। और यहाँ पे प्लस एम लग रहा है, यहाँ पे कार्बन आयन आएगा, यहाँ पे कार्बन आयन आएगा, ठीक है। अब देखो अब बात आती है कि सर अब बताओ आप एसडी कार्डर आप कैसे निकालोगे। तो देखो कार्बन आयन ज़्यादा, जहाँ जहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा वो ज़्यादा एसडी होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारा ये वाला एक्टिव मिथाइलिन टाइप का जो कंपाउंड होता है ना, ये ऐसे अगर कभी दिख जाए तो सबसे ज़्यादा एसडी है, तो बी वाला हमारा सबसे पहले नंबर पर आ गया, ठीक है। अब देखो ए सी डी में कार्बन आयन तो तीनों पे है, लेकिन ए और सी डी में कौन सा ज़्यादा होगा, कि देखो प्लस एम तो भाई कार्बोटाइन को फेवर करते हैं, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, और हमें देखना क्या है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखना है, तो ये तो भाई डिक्रीज कर देंगे। तो ऑब्वियस ही बात है ए वाला ज़्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों पे एम लगा रहे हैं, तो ये तो भाई कार्बोकेटाइन को पसंद होता है, तो बी ए। अब सी डी में देखोगे तो इसमें बताओ हमें क्या चाहिए, कम एम चाहिए, तो कम एम कौन लगाएगा, ए वाला लगाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन लोन पेयर अपने कम देना चाहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, तो फिर हमारा सी हो जाएगा और फिर हमारा डी हो जाएगा, यही ए सी डी टी का ऑर्डर भी हो जाएगा, ठीक है। अब कहोगे सर इंडक्टिव और मेजोमेरिक में किसको ज़्यादा मानेंगे, तो देखो रेजोनेंस देखना, फिर हाइपर कंजुगेशन देखना, फिर इंडक्टिव देखना, और रेजोनेंस के पहले भी एरोमेटिसिटी आता है, ठीक है, ये ऑर्डर होता है। तो कौन सा इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेट करता है, ये ऑर्डर होता है, आप ये याद रख लेना, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था, इसे ही रेज करते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन में हमारा पूछा था एसडी, सेम कॉन्सेप्ट था, एसडी का ऑर्डर पूछा था दूसरे में। तो अब देखो एसडी का ऑर्डर आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ना सब में कॉमन है, देखो सब में कॉमन है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप सब में कॉमन है। तो अब आप ध्यान दो,
अब आप दूसरे वाले ग्रुप जो लगे हैं ना उसका इफेक्ट है देखो। तो दूसरे वाले ग्रुप देखो, हमेशा आपको पता है कार्बन आयन तो बनना ही बनना है कहीं ना कहीं, और उस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखनी है। तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाते हैं, माइनस आई माइनस एम देख लो, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लो। तो देखो इसके बगल में यहाँ पे क्या है, sp3 कार्बन है, इसके बगल में यहाँ पे क्या है, sp2 कार्बन है, इसके बगल में यहाँ क्या है, sp2 कार्बन है, और यहाँ पे sp कार्बन है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है, sp sp2 और फिर sp3, और ये कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर होता है यही ना, यही। तो यहाँ पे एक बात तो देखो, यहाँ पे अब हर बार हम कंजुगेट बेस नहीं बनाएंगे, वो अंडरस्टूड है, समझ जाना, ठीक है। अगर कंजुगेट बेस बनाओगे भी तो यहाँ ये निकालोगे, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ ये निकलो, यहाँ नेगेटिव आएगा, तो ऐसे आप निकाल के बना लेना, ठीक है। वो बनाना नहीं है, वो अंडरस्टूड है, आप समझो। तो यहाँ ESP वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, देखो ये तो बात तो क्लियर होगी भाई, ESP वाला इन तीनों से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये तो SD के स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। तो हमारा कौन सा वाला सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ए वाला हमारा सबसे ज़्यादा होगा। अब बात आती है BCD में, तो BCD में देखो यहाँ पे OMe लगाया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, तो ये प्लस एम लगा रहा है, SD की स्ट्रेंथ घटा देगा। तो हमारा अगर बात करेंगे बी और सी में, तो हमारा कौन सा वाला हो जाएगा, बी वाला ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस एम नहीं लग रहा है, यहाँ पे तो प्लस एम लग रहा है। और डी उसके बाद हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद डी हो जाएगा, अब सी क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे sp2 था, डी sp3 था, sp3 तो भाई एकदम कार्बोकेटायन को पसंद होता है, तो ए बी सी डी हो जाएगा। ये हमारा SD क्वेश्चन का ऑर्डर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, दिख रहा है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में आते हैं, इसमें बेसिक ऑर्डर पूछा था। तो बेसिक ऑर्डर क्या होता है, जहाँ पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ रही हो ज़्यादा बेसिक होगा। तो देखो यहाँ पर भी लोन पेयर, यहाँ पर भी लोन पेयर, यहाँ पर भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर, यहाँ पर भी लोन पेयर। तो देखो अब एक बात तो पता है भाई, ये नाइट्रोजन ये भी लोन पेयर में क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, ये भी लोन पेयर डीलोकलाइज हो रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये हमारा पीरिडीन है, ये हमारा क्या है, सिंपल सा है NH2, इसका लोन पेयर तो कहीं नहीं जा रहा है। इसमें तो मान लो ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के हैं, sp2 है, तो थोड़ा सा ये खींचेंगे, और यहाँ पे तो कोई नहीं खींचने वाला, तो एक बात तो कन्फर्म हो गई हमारी, सी वाला दिख रहा है आपको, सी वाला सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे अब सी वाला अगर सबसे ज़्यादा हो गया डियर, तो अब बाकी का देखो, बी बी और ए में कौन ज़्यादा होगा, बी और ए में। तो एक चीज़ तो क्लियर होगी, बी वाला ज़्यादा होगा, क्योंकि ये लोन पेयर ना लोकेलाइज्ड है, क्योंकि ये तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं, रेजोनेंस की कंडीशन ही नहीं फुलफिल कर रहा है, तो हमें पता है बी वाला हो जाएगा। अब ए और डी में बात करेंगे, तो ए ये डी वाला हमारा क्या होता है, पायरॉल होता है, और ये एनिलीन होता है, तो हमें पता है यहाँ पे हमारा ए वाला ज़्यादा हो जाएगा बेसिक कंपेयर टू डी, क्योंकि वहाँ पे वो लोन पेयर ज़्यादा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो सी बी ए डी हो जाएगा बेसिक ऑर्डर, ठीक है। अब देखो अब इसमें पूछा था इस वाले क्वेश्चन में, मोस्ट बेसिक कौन होगा इन चारों में, ठीक है, जेई एडवांस का क्वेश्चन था, तो ये भी जेई एडवांस का ही था, ये ऊपर जो की हो। और इसमें पूछा था मोस्ट बेसिक ऑर्डर सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, तो इसमें आपको थोड़ा सा SIP SIR के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो हम SIP SIR के बारे में थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं। जैसे देखो कभी भी अगर मान लो आपके पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, और ऊपर NH2 लगा है, ठीक है ना, तो NH2 अगर लगा है और आर्थो पोजीशन पे एक बल्कि ग्रुप लगा है, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है पता है, SIP होता है, NH2 है और एक बल्कि ग्रुप है, तो वहाँ पे SIP होता है। और अगर SIR क्या होता है, देखो जैसे मान लो हमारा यहाँ पे मान लो कोई कार्बोक्सिलिक एसिड जनरली होता है बल्कि ग्रुप, या और कोई भी बल्कि ग्रुप हो सकता है, और उसके आर्थो पोजीशन पे क्या बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, इधर भी बल्कि लगा, इधर भी बल्कि लगा, तो वो क्या होता है, SIR होता है। और SIP क्या होता है, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन, और SIR मतलब स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, रेजोनेंस में रुकावट और प्रोटोनेशन में रुकावट, सिंपल भाषा में अगर समझे तो, ठीक है। तो अब देखो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे, देखो NH2 कहाँ पे है भाई, SIP, यहाँ पे तो SIP होगा ही नहीं कन्फर्म, क्योंकि NH2 ही नहीं है, और यहाँ पर भी SIP नहीं होगा, NH2 ही नहीं है, यहाँ पे SIP होगा, यहाँ पे SIP होगा, तो स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन होगा, थोड़ा सा रेजोनेंस तो होगा पर थोड़ा सा रुकावट आएगी इनमें। अब देखो SIR यहाँ पे स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, यहाँ पे क्या होगा, देखो हमारा क्या है बल्कि ग्रुप है इस पे, और इस पे भी थोड़े से बल्कि ग्रुप है, तो यहाँ पे SIR लगेगा, और SIR लगेगा तो थोड़ा सा इसकी लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं करने देगा। तो अगर इन सभी के कंपेरिजन में देखा जाए ना, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, देखो इसमें तो थोड़ा रेजोनेंस हो रहा है ना यहाँ पे, तो बल्कि इसमें भी बल्कि ग्रुप लगे, तो ये वाला हमारा जो हो जाएगा ना, इसमें सबसे मोस्ट बेसिक हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अब देखो इसमें पूछा था SD ऑर्डर पूछा था, जेई मेंस का क्वेश्चन सारे PYQ, तो इसमें SD ऑर्डर वही सिंपल सिंपल देख लो, ये हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉल है, और ये हमारा मेटा, और ये हमारा OMe प्लस एम लगाएगा, ये हमारा माइनस आई लगाएगा, क्योंकि मेटा पे हमारा माइनस एम रेजोनेंस होता ही नहीं, मेटा पे आप लगा होता ही नहीं, तो केवल माइनस आई, ये माइनस आई और माइनस एम लगाएगा, तो सीधी सी बात हमारा बी वाला ज़्यादा SD होगा, फिर हमारा सी वाला होगा, और ये तो कुछ लगा ही नहीं रहा, फिर हमारा ए होगा, और डी तो भाई घटा रहा है कौन कहे बढ़ाने को, तो BCA
डी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये हो रहे क्वेश्चन जीओसी के, कुछ अच्छे क्वेश्चन थे। और अगर आपको कुछ डाउट है ना जीओसी में, तो मैंने पूरा जीओसी इसी चैनल पे पढ़ा रखा है, पूरा जीओसी एकदम बेसिक से एडवांस। अगर आपको डाउट होता है ना, दिक्कत, आप उसको देख लेना, आपको पूरी जीओसी समझ में आ जाएगी, जीरो से एडवांस तक है। इसी पे IIT थिंकिंग चैनल पे प्लेलिस्ट में देखना जीओसी, ठीक है। और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराए हैं, बाकी ऐसे क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराएंगे। अगर आपको कुछ डाउट होता है कमेंट सेक्शन पूछ लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू।